and communities outside Sri Lanka. Sayyid Sadiq, Sayyid Sohra Sadiq, Ali Sadiq, and the other members of the Great Fund, Fatiha, Bismillah. जो बताया गया है इतना एक्यूरेट है, इसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है।
तुमको चेंज होना पड़ेगा, ये चेंज होने वाली किताब नहीं है। लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। ना सुन्नत इलाही में तब्दील है, ना अमेंडमेंट की गुंजाइश है। ये तुम्हारे कानून है, कमजोरी की वजह से बदलते रहते हैं, कभी पब्लिक प्रेशर्स की वजह से बदलते हैं। अल्लाह अपने कानून को फितरी बुनियादों पर कायम किया है, तुमको बदलना पड़ेगा फितरत के मुताबिक। फितरत कभी बदलने वाली, ये कुरानी अहकाम। ब्रदरान अजीज, जरा सा सीरियस नोट वो ये है कि मजहब ना रखिए, हैव फन, डोंट हैव रिलीजन, हैव फन, एंजॉय करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जहां जाना चाहो। लेकिन जैसे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यू आर इन ट्रबल। आपने जैसे ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने विलिंगली चंद कानून को अपने गर्दन में उतार लिया, वहां पर रुक जाते फिर भी कुछ आजादी थी। लेकिन अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, फिर आपने और एक सर्कल करीब बांध दिया, वहां पे रुक जाते तो फिर भी मुमकिन था, आजादी थी आपको। लेकिन आपने अली और वलीउल्लाह कहा, यहाँ दस्त व पा कटेंगे, यहाँ जान पर बनेगी, ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। इसीलिए मौला के पास इमाम पास शख्स जाता है, मौला आई लव यू, हमारे अम्र बहुत मुश्किल है, मुश्किल को मोल लेना है। तो कुछ और बन के जी सकते हैं, अली वाले बनकर जी नहीं सकते। 59 कंट्रीज है जो बहुत मजे उड़ा रहे हैं, एक ही है जिसने कहा है अली। सलावत पढ़िए मोहम्मद है, वो मुश्किलों से घबराता नहीं है, मुश्किलें उसके नाम से घबरा जाती। तो पहला मरहला, आज यहां से जाइए तो जरा सा सीरियस नोट लेके जाइए, इफ वी आर द फॉलोअर ऑफ इमाम अली, वी आर इन ट्रबल। हम लोग हर तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकते, वैसी जिंदगी गुजारना है जैसे अली ने बताया। अगर आप बताया तो अली का रास्ता इख्तियार करते हैं, वही रास्ता है सिरात الذين انعمت عليهم। एक नोट के बाद दूसरी नोट, आज जो है रमजान की 19 की शब है, पहली शबे कद्र की पहली रात, 19 से लेकर के ऑड नाइट्स टिल द लास्ट मंथ, 19, 21, 23, 25, 27, 29 शबे कद्र को कहा गया है। जो मोड़ कहा गया बहुत करीब तक है वो 19, 21, 23। ब्रदरान अहले सुन्नत यहाँ 27 को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, नथिंग रॉन्ग, हमारे पास भी रिवायतें मौजूद है। ये 19 से क्यों शुरू हुए, क्यों नहीं फर्स्ट नाइट से, व्हाई नॉट फ्रॉम फर्स्ट नाइट टिल एवरी और नाइट आफ्टर फर्स्ट नाइट, यानी थर्ड नाइट, फिफ्थ नाइट, सेवंथ नाइट, नाइन्थ नाइट, ये क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है? देखिए, कुरान है किताब जिंदगी, और इस किताब को उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक के तकवे की उन राहों को इख्तियार ना कर लें जिन राहों के जरिए से ये किताब हमारे ऊपर उतरने लगे, उन पर नुजूल हुई थी, हमारे पास फहम हासिल हो। पहले 19 दिन रोजे रखो तब ताकि तुम में वह सलाहियत पैदा हो जाए कि किताब खुदा समझ लो, तब कहीं तुम्हारे पास। और याद रख लो कि वहां से कुछ आता जाता नहीं है, जो यहां से भेजोगे वही आएगा। देखिए आप लोग साइंटिस्ट साइंस की बात करते हैं, जमीन में 3 हिस्से पानी है, जानते हैं आप ही लोग, एक हिस्सा जमीन है, सूरज की तमाजत की वजह से बुखारात की
तब्दील होकर के बादल में क्लाउड बनता है और जब हॉट एंड कोल्ड एयर मिल जाते हैं तो वहां पर बारिश होती है। ऊपर से पानी आया, बारिश हो रही है, अरे ऊपर है ही नहीं तो कहां से आएगा। जो नीचे से गया है जो नीचे से गया है वही आएगा, ऊपर से कुछ आता जाता नहीं है, जो भेजोगे वही आएगा। ऐसी ड्राइंग ऊपर से नहीं आ रही है, तुमने भेजा है। तो अगर आप चाहते हैं रहमतें बरसे तो रहमत भेजिए तो रहमत बरसेगी, नेकियां आए तो नेकियां भेजिए तो नेकियां आएंगी। ये रसूल ये फजीला का रुख आ गया है, ए सरकार आपकी जात बहुत बुलंद है, आपने क्या भेज दिया आपके कुरान पब्लिक मोमेंट बनाना है। आपने देखा तहरीर स्क्वायर से यहां पर न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट तक सब लोग कह रहे हैं इंसाफ इंसाफ इंसाफ, 99% अगेंस्ट 1%। दुनिया की दौलत कह रहे हैं कि क्वार्टर मिलियन भी नहीं है जिनके पास है, यानी टोटल जो दौलत है सिर्फ क्वार्टर मिलियन लोगों के हाथ में है, बकिया 7 बिलियन इंसानों के पास गुर्बत है। वो ऊपर से नीचे दौलत लाना एक कमाल है। ना सोशलिज्म ला सका, ना कम्युनिज्म ला सका, ना कैपिटलिज्म ला सकेगा, इसलिए कि ऊपर से लाने के लिए जबरदस्ती नहीं है, खुद से निकालना है। खुद से निकालने वाले सिवाय अहले बैत के हमें कोई नहीं। अहले बैत ने ये कहा है يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا। उसके बाद जुमला बहुत खतरनाक है, उस जुमले को समझिए कुरान की आयत को, انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا। तुम जब चाय भी पिलाते हो तो तुम्हारे जहन में होता है कि पिलाएगा, दावत भी देते हो तो समझ में होता है कि दूसरी मतलब ये बुलाएगा, लेकिन अहले बैत जब खिलाते हैं कभी जहन में ये नहीं होता कि कोई शुक्र अदा करता है। किस मंजिल पर है वो मकाम, उस मकाम में उलूहियत वो मकाम विलायत का हासिल करना हम सबका फरीजा है। तो ब्रदरान अजीज, आज का जो हमारा चैलेंज है, अमेरिका में रहते हुए इस्लाम को इस रुख से समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक के कुरानी आयत को मेरी जिंदगी से मुंसलिक ना करूं, ना जोड़ू, ना इसे कुरान पढ़ू मरने वाले के लिए। मरहूम के लिए कुरान नहीं है, जिंदगी के लिए कुरान। मरहूम के नाम से खुलवाया जा रहा है, कम अज कम अब तो पढ़ो, वरना हकीकत में ये किताब जिंदगी है, मरने के लिए नहीं है, जिंदगी के लिए, हयात के लिए। देखिए कुरान ये क्या कहता है, कुरान के लिए हमको क्या करना है, एक बहस अलग है, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। मसलन आज का अमेरिका का प्रॉब्लम अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, आज यूरोप का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, आज मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आज इंसानियत का प्रॉब्लम है। अगर इसको मोमेंट बनाना चाहें तो वो मोमेंट कैसे बनाया जा सकता है, वो मजहब के नाम पर आपको कोई आने वाला नहीं है। इस्लाम का नाम देंगे आप किसी के सामने तो वो कोई बात सुनने वाला नहीं है, लेकिन जस्टिस की बात कीजिए, अदालत की बात कीजिए, अदालत की बात किसी भी माशरे में कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, आपके चार मानने वाले हो जाएंगे। इसीलिए अदालत यूनिवर्सल है, क्रिमिनल नहीं। तवज्जो करता हूं, ये इस्लाम का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस्लाम ये कहता है कि क्यों अली खलीफा हो दूसरे खलीफा ना हो, इसलिए अली खलीफा हो, अली ने शर्त लगाई तारीख में की है कि 3 अदवार के बाद जब खिलाफत दर बदर फिर कर अली के चौकट पे आई, दरे हैदर पे आने के बाद फिर दर बदरी से बच गई। तवज्जो करता दरे हैदर पर आई मौला अली
अली ने कहा कि ना चाहिए नहीं चाहिए, निकल जाएगा। मौला या अली अगर आप नहीं कबूल करेंगे हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मौला ने कहा आई डोंट वांट, निकल जाओ यहाँ से। जब सबों ने इसरार किया, तीसरा खुतबा है, मौला ने फरमाया इतना मजमा था, हत्ता उती अल हसनान। उती अल हसनान का तर्जुमा मेरे उस्ताद खुदा इंसान वो तो बड़े बुलंद थे, खुदा उनके दर्जात को आली करे। मौलाना रोशन साहब किबला फरमाते थे उतिया के माने हसना के माने अंगूठे, के माने इतना मजमा था कि पैरों के अंगूठों के ऊपर अंगूठे लग रहे थे, इतना मजमा था। सब कह रहे थे अली आप कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा शर्त नंबर वन कंडीशन, क्या कंडीशन है? सब बनेगा जिंदाबाद, कंडीशन क्या है? मौला ने कहा पहली कंडीशन कुरान पे अमल करेंगे। सबने कहा अल्लाहु अकबर जी, कुरान पे हम सब चाहते हैं। मौला ने कहा कुरान पे अमल, सबने कहा अल्लाहु अकबर। मौला ने कहा रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल, सबने कहा अल्लाहु अकबर। मैं आज वादा लिए ले रहा हूँ, कल ना पूछना मुझसे। तवज्जो के साथ दूसरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आया, बड़े तड़ंगे सहाबी आकर के पूछने लगे ये अली हमारा हिस्सा उनके बराबर है। मौला ने कहा रसूल अल्लाह ने तुम्हें स्पेशल दिया था। एक ईरानी आलिम नमाज शब के लिए उठा, नमाज जब शुरू किया एक चोर दाखिल, ईरान के चोर के माने वो भी शिया, नमाज पढ़ रहा है वो भी बेचारा आलिम, वो भी शिया और नमाज जो चोर दाखिल हो गई, दाखिल हुआ वो अच्छी कीमती चीज जमा करने लगा और जमा करके एक मर्तबा गठरी उठाया, यो अली। इन्होंने नमाज खत्म करते का मान हमारे जिंदगी हुसैन हुसैन गुफ्तम जमा कर दम तू बाली निबरी, पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन कहकर के जमा किया, तू एक याली में सब कुछ ले जाना। हम लोग एक याली में सब ले जाना चाहते हैं, नमाज भी ले जाना चाहते हैं, रोजा भी लो ना। सब आप बड़ी मोहम्मद नहीं है। बहस हो रही है, मौला के पास एक जवान आया बसरे से मेहमान, तीन दिन बाद मालूम हुआ ही इज इन ट्रबल, ही हैज टू कम टू द कोर्ट। मौला ने कहा निकल जाओ मेरे पास, मेरे घर से अब जो है मेहमान ही करो, कानून है इस्लाम में मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं पाया अरबों में, बहुत ज्यादा आखिर में के माने मेहमान काफिर ही क्यों ना हो तुम रेस्पेक्ट है, अगर बुला चुके हैं उसका रेस्पेक्ट करो, मौला अली का मेहमान है। तारीख कहती है कि मौला ने कहा डर रखी अब मेरे मेहमान नहीं। तारीख लगेगा क्यों? मौला ने कहा इसलिए कल वो कटड़े पर आके खड़े होगा, अगर मेरा मेहमान होगा तो मुझे ख्याल करना पड़ेगा, पहले मैं अपनी मेहमानी से निकाल रहा हूं ताकि अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूं। सवाल पड़ी मोहम्मद वाले अदालत अलबी है, आसान मसला नहीं है। और अभी ये समझ रहे हैं कि अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत कोई आसान मरहला है, और ये भी नहीं कि मुश्किल भी नहीं है। अब मुश्किल ऐसा नहीं है कि अगर मुश्किल होती तो ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला मा वुसअहा, खुदा ने कैपेसिटी पहले दी है उसके बाद अहकाम दिए, हमको खुदा ने दिया है। अगर वो समझ में आ जाए बात जो समझना चाहिए तो सलमान बन सकते हैं। देखिए समझने की बात कीजिए, सलमान अबू ज़र में क्यों भाई 10 का 1 का फर्क क्यों है? स्केल ऑफ 1 एंड 10 ईमान है, 10 इज सलमान फारसी, 9 इज अबू ज़र, ये 1 में कैसे फर्क हुआ? देखिए किस्सा, अबू ज़र सलमान के पास आते हैं, दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, गुफ्तगु होने लगी थोड़ी देर बाद, सलमान ने कहा बेला नो फ्रिल्स, कोई तकल्लुफात नहीं है, जो है घर में चलो खाना खा लें, तो बिस्मिल्लाह रोटी नमक,
दो दुख में उतरने के बाद गले से रोटी नमक कहां से उतरे? सलमान जी का काम है भाई, आया सलमान के बोला का आसान थोड़ी है ना, उतर ही नहीं। अबू जर ने कहा एफिश के साथर मिल गया, साथर इसे सहल है आज भी अरबी में जैसे आपको हम लोग उर्दू में हरा धनिया जो कहते हैं ये चीज होती है अरबी में जिसको साथर कहते हैं, जो रोटी के साथ आज भी खाई जाती है, ईरान में भी होती है, ये सहल है और सेहत के लिए अच्छी भी चीज है, यहाँ भी मिलती है उसको, उसका नाम कुछ है मैं इंग्लिश में जान नहीं पाया है, अभी सब रहेंगे साथर बेहतरीन चीज। अबू जर ने कहा काश साथर हो जाता इसके साथ, इस नमक के साथ साथर हो जाता तो मजा आता। सलमान ने कहा भी लाता गए लाए और साथर रोटी खाई। अबू जर ने आदर डाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रज़क़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन अल्लमना क्या, और वो देखा तेरा शुक्र है कि हलाल रिज़्क़ खिलाया और हमको तूने क़नाअत सिखाई। सलमान ने कहा अगर कनात की होती तो मेरा पतीला जो है मैं पतीला रहम रख करके तुम चलात भैया वहां मना दो कहां पर है सलमान अबू जर किस मकाम पर है क्यों? देखिए याद रख लीजिए हया रिवायत में है, अजीब गरीब रिवायत है, मन मौत आला हुब علی ابن ابی طالب یہ حب آل محمد فقط مات شہیدہ، جو مر جائے محبت اہل بیت میں اس کی نارمل موت نہیں ہے، شہید کی موت ہے۔ کیا معنی شہید کی موت؟ قرآن کہتا ہے ولا تقتلوا ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، رائے خدا میں مرنے والوں کو تو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے جب زندہ ہیں تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، کون آئی والا میرے ساتھ ہیں آپ لوگ بہت اچھی طرح سے غور کیجیے، سلمان کا انتقال مدائن میں ہوا ہے اور مولا اعجاز سے پہنچتے ہیں، انتقال ہو گیا نا بھائی، انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لادیے پہ ہو گیا اٹھاؤ کاندھوں پہ اٹھا لو کاندھوں پہ، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، مردہ مردہ ہے، ختم ہو گیا بات، اس کو نہلانا ہے، اس کو دفن کرنا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا اس لیے کہ مردہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سلمان ایک مرتبہ لیٹے ہوئے مولا علی پہنچتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں احترام کرتے، سلمان نے بتایا علی کا مرا ہوا نہ مرتا ہے نہ مرنے کے بعد، صلوات پڑھیے محمد علی سنڈے ہو گیا تو چرچ میں جانے کے بعد بائبل ہاتھ میں، اس کے بعد باہر نکلے ہم کرسچینٹی، آپ کو کرسچینٹی آپ کا ہاتھ پکڑنے والی نہیں۔ سیٹرڈے کے دن سینیگاگ میں چلا گیا یہودی، وہاں اس نے دو چار عبادت کری، باہر نکلنے کے بعد نو مور۔ مسلمان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسلمان گھر میں رہ بھی تو مسلمان رہے، باہر رہ بھی تو مسلمان رہے، اور بعض وقت جو ہے پازیٹو چیز ہے، مثلاً ابھی دیکھیے یہاں پر گرودوارے میں حملہ ہوا، انہوں نے کیا کہا بھائی وائٹ سپریمسٹ ہیں یا کہ انٹرنل ٹیررزم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، نام دے دیا، کچھ نہ کچھ نام دے دیا آپ کی تسلی کے لیے، توجہ بتا رہے بہت اچھی طرح سے نام دے دیا، نہ کوئی نہ کوئی ہے نام، مگر اس کو نہیں کہتے کہ جو مرا وہ کرسچن ہے، بتا رہے ہوں نام آنے کا کرسچن ایک نام تو دو یار، لیکن اگر مسلمان کوئی کرے تو سب ایک مسلمان ہے، تو معلوم ہے اس کے پوزیٹیو رخ یہ ہے کہ احمد اکیلا نہیں رہ سکتا، پوری امت اس کے پیچھے، تو اس لیے آپ کا عمل بہت اہم ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے پوری امت ہے، تو ایسا ایکٹ نہ کیجیے کہ آپ خود بدنام ہوں آپ کی امت، اسی لیے اسلام نے کہتا کہ تم جو ہے اس سوشل اسٹرکچر سے کام ہٹ نہیں سکتے۔ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ علی تاریخ کہتی کہ مرتبہ مولا امیر المومنین جب مہینہ ختم ہوتا تھا کہ جمعے جمعے کو تقسیم کرتے تھے بیت المال کو، اللہ اکبر بہت خوبصورت تقسیم کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک روٹی کا ٹکڑا انہیں ہوتا جو ہے لے کے بھاگنے لگا، مولا لوف آف بریڈ، مولا چیز کرتے ہیں اس کو،
हाथ में लेते हैं उस टुकड़े को, लाते हैं उसको, उसके हाथ से लगा देते हैं। किसी ने कहा माला उसका हिस्सा है, माला ने कहा जब हिस्सा बढ़ेगा तो है। फिलहाल ही कहीं है ये बैतुल माल है, जब तक बैतुल माल है वो बैतुल माल है, उसका टुकड़ा भी नहीं मिलता। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, قُتِلَ فِي الْمِحْرَابِ لِشِدَّةِ عَدْلِ is a historical evident है। अगर अली का नाम समझना चाहते हैं हम लोग कौन है अली, قُتِلَ he has been killed in محراب, محراب मालूम محراب की जगह, क्यों لِشِدَّةِ severity in doing injustice, injustice में severity देखा है हमने, जुर्म में सीवियरिटी हमने देखी है, अदालत में अगर सीवियरिटी मिलती है तो आली के लिए क्यों अली ने कभी तारीख खत्म हो गया। मैंने कह दिया साढ़े दस बजे मगर आज 15 मिनट क्यों, इसी भी आगे बढ़ सकते हैं। 11 बजे ऐलान हुआ है नमाज के बाद, तसल्लात पढ़ी मोहम्मद बात आज वेस्टर्न कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या है, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम क्या है, पूरे इंडिया की दौलत 45 फैमिलीज के अंदर, पूरे पाकिस्तान की दौलत कितने हम हैं, 21 फैमिलीज, ओनली 21 फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, सारा नहीं देशो। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 1 बिलियन प्लस 1 अरब से ज्यादा, पाकिस्तानी सिर्फ 21 फैमिली। जरदारी की जो दौलत बताई गई हमने कांग्रेस का हमारे सब्सक्राइबर 2 पेज का 11 बिलियन डॉलर, इसके बाद का मान सुनिए और अच्छी तरह सुनिए, अली का नाम लेकर के दुनिया को जिंदगी दीजिए, मुर्दे को जिंदगी नहीं देते, जिंदगी ही जिंदगी दे सकता। कह गया जो जुमला, डेथ कैन नॉट गिव लाइफ टू नो वन, लाइफ कैन गिव टू लाइफ। अगर लाइफ चाहते हैं तो अली इब्न अबी तालिब के पास आना पड़ेगा, उसके बाद उसके हट करके लाइफ मिलने वाली ही नहीं, और अली के पास आने के बाद जिंदगी ऐसी मिलती है कि सलमान कहां का रहने वाला सलमान बन जाता है, और ऐसा बन जाता है कि मरने के बाद भी मरता नहीं है, जिंदा रहता है और दुनिया के सामने बताता है कि लूटने वाले का नाम अली वाला नहीं है, लुटाने वाले का नाम कौन है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम को ये चाहते हैं पूरे मुसलमानों के, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कंट्रीज के लिए, 7 बिलियन। एक छोटा सा मसला बता दूंगा आप अच्छी तरह से, हजरत आदम और हव्वा दुनिया में आए, इसकी दुनिया पूरी दुनिया 2 आदमियों की, आदम उनके 100 बच्चे भी किसी दुनिया है 100 बच्चों की, आज कितनी पॉपुलेशन है 7 बिलियन, कितनी दुनिया किसकी है 7 बिलियन की है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास इतनी दौलत हो कि आपके पास ओबेसिटी हो 80%, और आज आप यूट्यूब पे जाइए देखिए ऐसे भी ममालिक हैं जहां पर गार्बेज ट्रक आने का इंतजार करते हैं, जब उंडेली जाती है तो उसमें से गिजा जो बची हुई है चुन कर खाते हैं। इसी दुनिया में मैं बाहर की बात नहीं कह रहा हूं, इनसेंसिटिव रहने का नाम दीन नहीं है। रमजान में रोजा रखने का मकसद क्या है, छठे माह में फरमाया रमजान में रोजा रखने का मकसद गरीब को अमीर को बराबर लाना है, नहीं कि तुम सिर्फ रोजा रखो गरीब को भुला दो, ये रोजा नहीं है तुम्हारा, इस्लाम नहीं सिखाता इस तरह से। तुम्हारा वजूद सेंसिटिव रहे, तुम भूख के कैसे क्या माने हैं कि यहां पर सेंटर ऐलान कर रहा है खाने का एहतियात करो, लोग रिकॉर्डियों में ले रहे हैं, इजाफा हो रहा है, फेंक रहे हैं, किसका माल है वो माल किसी गरीब का लुकमा है, आप जवाब बी केयरफुल। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं मेरे पास नहीं है, मेरे पास लाभ कर दे, आप गार्बेज हमारे घर में हमारे एलियस में कर रहा हूं, अगर ज्यादा पका है तो छोड़ो फ्रिज में रखो, जब तक जीना है जब खाना है खाऊंगा, लेकिन आप लोग फेंक नहीं सकते, इसलिए कि फेंकने का हक हमको नहीं है, इसलिए कि ये रिजा का हक किसी और इंसान का है। ये कौन सिखाता है, ये वजूद नहीं सिखाता,
सिखा था, सेंसिटिविटी सिखा दी है। सेंसिटिविटी कौन देता है? अली देता है, कोई और नहीं। मोहब्बत अली, इससे हटकर आप सेंसिटिविटी हो ही नहीं सकते। कौन है अली? दीजिए तारीफ उठा कर देखिए। अल्लाह अकबर। जब इस मंजिल पे पहुंचता मैं बहुत परेशान हो जाता। एक रावी का, रावी कहते हैं रिपोर्टर आज के जमाने में, फॉर द यूज रावी, व्हेन यू हियर द वर्ड रावी मींस रिपोर्टर। रिपोर्टर्स जो हैं यूजुअली क्यूरियस होते हैं। पहले जमाने में, जिस जमाने में मैं बचपन था, उस जमाने में रेडियो का टीवी नहीं आया था, उस जमाने में जब रिपोर्टर्स बयान करते थे, प्रेसिडेंट इज आउट, इज वेयरिंग दिस कलर सूट, पूरा कलर वगैरह बयान करते थे, ये टाई है, ये कलर उसका है। क्यों? इसलिए मालूम नहीं था, आज वो जमाने की जरूरत नहीं, इसलिए टीवी चल रहा है, मालूम है कि किस कलर का सूट पहना। तारीख कहते हैं कि मौला मस्जिद कूफा में जोर अदा करते हैं, रावी कहता है कि मैं भी गया, नमाज पढ़ी मैंने, नमाज के बाद मौला ने कहा लाओ थैली, लाओ ब्रिंग मी द बैग। ये रिपोर्टर कहता है कि कैमरे को क्यूरियस, कुछ बैग आ रहा है, खलीफा वक्त मंगा मंगवा रहा है, उसमें तो कुछ ना कुछ होगा माल यार, सही नहीं है। आई थी देखा वो आते हैं, उसमें सील भी लगी हुई है, मेरी सील। तब तो मैंने कहा इसमें तो शफिया होंगे, कॉइन से लाओ या गोल्ड कॉइन से लाओ, फिर मेरी सील लगी हुई है। माला ने उस सील को खोला, तवज्जो बता लो मेरी बहनें सुने और मेरे बच्चे सुने, और आज की मौला की इस सदके से, इस महफिल से, इस नूर से लेकर के जाइए कुछ ब्रह्मा नूर की, ताकि जिंदगी बदल जाए। तवज्जो कीजिए कि कौन है अली, और अली से मोहब्बत करना कितनी मुश्किल है, कितना मुश्किल है किस मुकाम पर अली की नबी तारे। तारीख कहते हैं कि मौला ने उसको सील को खोला, रावी कहता क्या बिकेम सो क्यूरियस, आपको कुछ ना कुछ होगा। अब अंदर जब निकले तो सूखी रोटी के टुकड़े, अब मुझसे रहीम वहां नहीं गया, इससे आई कुड नॉट स्टॉप माय सेल्फ, आई डिड आस्क, मैंने पूछा मौला ये इसको सील करने की क्या जरूरत है सूखी रोटी। मौला ने कहा कि इसलिए सील किया है कि कहीं मेरे बच्चे मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में इसमें ऑयल न लगा दे जबकि यमन में कोई यतीम बच्चा भूखा है। यह है अली, कूफे की मस्जिद में बैठकर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर यमन की यतीम को याद कर रहा है। ये बड़े महलों में बैठकर कोई यतीम को याद नहीं कर सकता, जिसका हसास दिल होता है, आखिरत सामने होती है, जो अली का दिल रखता है, तो ऐसा है अली। ये सब आज हमारे पास जरा सा हम देखते हैं, मौलाना यहां देखिए एनिमल राइट्स भी है। अरे भाई एनिमल राइट्स को सिखाने वाला अली, ह्यूमन राइट्स को सिखाने वाला अली। किताब का नाम लेता हूं, मेरे बच्चों से गुजारिश करता हूं, देखिए बच्चे द वॉइस ऑफ अली की नबीता है, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस इज ट्रांसलेटेड बाय ए ब्यूटीफुल ट्रांसलेटर। दिस बुक इज डन बाय जॉर्ज जॉर्डन ऑफ लेबनान, a Christian scholar. He says he is the first human being, first leader who introduced welfare system indiscriminately. यानी ये नहीं कि कोई मुसलमान हो तो देखो, उसका किस्सा बयान किया कि मौला जा रहे थे, एक फकीर सवाल कर रहा था, मौला ने कहा कि मेरी हुकूमत चल रही है तुम क्यों मान रहे हो? तो मौला मेरे पास कल तक काम करने की ताकत थी, मुझ में ताकत थी। मौला ने अपने मुंशी से कहा, ट्रेजर से कहा, इसका नाम लिख दो माना, जिनको स्टेटमेंट मिल रहा है सुबह। जब माँ ऑफिस में पहुंचे, मौला मालूम है कौन है वो? मौला ने कहा कौन है? कहा यहूदी है। मौला ने कहा इंसान है, इंसानी बुनियादों पर जिसने तकसीम यह है अली इब्न अबी तालिब। और अब हम तो चूंकि इस सिस्टम से हम निकल चुके हैं, इसलिए हमारे लिए यह सिस्टम हमारा बहुत अभी है। नहीं हुजूर, आइए उसके पास। तारीख कहती है आज की शब थी और जनाबे उम्मे कुलसूम के पास रोजा खुला, रात भर अली बाहर जाता था, मसले पर आता था, मस्जिद बार बाहर जाता था और सितारों की तरफ देखता था और कहता जाता था देर क्यों हो रही है, क्यों देर हो रही है, क्यों देर हो रही है। गोया टाइम का इंतजार कर रहा है, यहां तक के सुबह नमूदार होने लगी तो मौला जाने लगे। मुर्गाबियां घर में पलने वाली मुर्गाबियां सामने आ गई, गोया रास्ता रोक रही, मौला आज न चाहिए हम पर रहम फरमाइए, बेजबान थे। लेकिन मौला ने पलट कर कहा उम्मे कुलसूम अगर इनको दाना ना दे सको तो आजाद कर दो। बर्ड्स किसका, किस पर? जानवरों के लिए अली नबी तालिब जाते हुए समझा रहा है इंसानी हुकूमत
देखो आजाद कर दो, और उसके बच्चे अल्लाह तशिया आवाज कर, उसके बच्चे प्यास कहें, इसका जिसका बाप जाते जाते बता रहा है अहमियत इंसानियत क्या है। तारीख कहती है कि मौला सुबह गए, मौला का भी मुअज्जिन था, हत्ता करबला में भी मुअज्जिन था, करबला में भी इमाम हुसैन के साथ मुअज्जिन था, जिसका नाम है हज्जाज इब्न मसरूक। मौला का भी कूफे में मुअज्जिन था, 19 रमजान के सुबह है, मौला ने मुअज्जिन से नहीं कहा था दो। तारीख कहती है कि मसल्ले पर खुद अली गया, अल्लाह अकबर, पूरे कूफे में आवाज गूंजी, आज मुअज्जिन की आवाज नहीं है, अली बोल रहा है अल्लाह अकबर, औरतों ने बच्चों को जगाओ, जाओ 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 मस्जिद के तरफ जाओ, अली बुला रहा है, मौला अली अजान दे रहे हैं, कोई खास बात होगी निकलो। तारीख कहती है कुछ ही देर गुजरी थी, उसी मस्जिद से आवाज गूंजी, कद कुतल अमीर, मस्जिद में दाखिल होते हैं और सोने का अंदाज भी तुझे नहीं आता। हमारे पास वेस्टर्न कंट्री में बहुत कहा जाता है कि मैन इज फ्री अंटिल प्रूवन गिल्टी, किसने बताया ये? सिर्फ अजीब ने बताया, कि कोई तारीख नहीं बताई इंसानियत में। तारीख कहती है कि इब्न मंजूर जब भी सामने से गुजरता था, मौला कहते नहीं बना पाते, लगी जबन ही मिल उनके। किसी ने पूछा यानी मार क्यों नहीं देते? जुर्म साबित होने से पहले जुर्म के बगैर किसी को सजा किसने दिया? कानून 1400 साल पहले इंसानियत का कानून उस जंगल में, अरब की जंगल में, अली इब्न मंजी मामला सो रहा है, बट या गोश्त के बल सो जो अंबिया का तरीका है, या दाहिने बाजू सो जो हुकमा का तरीका है, सालेहीन का तरीका, उलमा का तरीका, बाएं बाजू जो हुकमा का तरीका, यह आंदा क्यों सारा शैतान की तरह उठ मुसल्ले पे जाते हैं, और सफ़े बदी हुई हैं, पहली रकात है, बाद में दूसरी, इसमें इख्तलाफात हो जाए कोई परेशानी नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी आप सर उठाए नहीं पाए थे, एक मरतबा ज़रब लगी और अली इब्न अबी तालिब ने पहला जुमला जो कहा है ये खूबसूरत है, फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु मैं कामयाब हो गया काबे के रब की कसम, ऐसे मानूस है जैसे बच्चा माँ के दूध से मानूस होता है, मगर मैं बिस्तर पे मरना नहीं चाहता, वर्ज़ुक़नी क़त्लन फ़ी सबीलिक, परवरदिगारा तेरे रास्ते में शहीद होना नसीब फरमा। इसी ये रिवायत में हाथ के पास रमजान की दुआओं में भी यही है, अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़ना क़त्लन फ़ी सबीलिक, परवरदिगारा हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते, तेरे राह में मरना सिखादे ऐसा मरना कि शहादत का मौत हो। तारीख बयान है कि मौला अमीर मोमिनीन ने फुज़्तु व रब्बिल काबा का क्यों नहीं कहा? ये जब खाने काबा में पैदा हुए तो कहना चाहिए था, वो भी एक शील थी, जब बरज़ल ईमान कुल्ले इला कुफ्र कुल्ले तब कहना चाहिए था फुज़्तु व रब्बिल काबा, नहीं कहा, खैबर में नहीं कहा, खंदक में नहीं कहा, बदर में नहीं कहा, उहद में नहीं कहा, इतने शील मिले शहादत पर, गोया पूरी जिंदगी बता दी कि मेरी इब्तिदा भी फुज़्तु व रब्बिल काबा है, मेरी इंतहा भी फुज़्तु व रब्बिल काबा है। इधर जिब्राइल ने आवाज गूंजी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, قد قتل ابن محمد المصطفى, محمد مصطفى کا چچا زاد بھائی شہید ہو گیا, علی مرتضی شہید ہو گیا۔ ابھی دیکھیں آواز ساری فضا میں گونج رہی ہے, مجھے نہیں معلوم زینب پر, بچوں پر, عورتوں پر کیا گزر رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن کو مولا نے کہا بیٹا تو نماز کو پوری کرا دو, نماز پوری ہوئی اور زخم سے خون بہ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابن ملجم کو پکڑ کر سامنے لایا گیا, مولا نے غور سے دیکھا, کہا دیکھو بیٹا حسن,
ये मुझसे मतलब मसला है, जब मैं जीऊं तो ये मैं देख लूंगा, अगर मैं चला जाऊं तो कुरान ने जो अहकाम बताए हैं उसके हुक्म के मुताबिक अमल करना। इसने एक जर्ब लगाया है तो एक ही जर्ब लगना लगाना, और तुम माफ कर दो तो तकवे से करीब है। 1400 साल पहले कातिल को माफ करने वाले का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। तारीख कहती है कि जो अली कदमों तले आया था उसको गलीम में, ये गलीम में लिटाया गया, गलीम को अगर ट्रांसलेट करूं स्ट्रेचर पे लिटाया गया, और अली को ले जाने लगे। जब घर के करीब पहुंचे तो मौला ने इमाम हसन से कहा, बेटा करीब आओ। इमाम हसन ने कान लगाया, कहा बाबा क्या बात है, खैरियत है? अब बेटा चाहने वालों से कहो वापस चले जाओ। कहा बाबा क्या बात है? देखो बच्चो, देखो अभी ज़ैनब की आवाजें बुलंद होंगी, मुझे नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। किसकी कानों तक? मेरे चाहने वालों के कानों तक मेरी बेटियों की आवाजें पहुंच जाए। ए अली, रोजे आशूर तेरी बेटी हादल हुसैन या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि